अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफसर खान हुसामी न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं ये तफसीलात। देखिए, मैं आज जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वजीर दाखला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है, अब वो झूठ बोल रहे थे या एनआरसी सच कह रही है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। एस के सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जब भी हैं, कानपुर के सांसद रह चुके और MOS होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो ख़त्म हो गया। अभी अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के BJP के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चराखपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है वो। इसीलिए वो कहते हैं हम NRC नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम BJP से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको ख़त्म करिए इसको। आपने गैर ज़रूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। 19 लाख का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और जितने आसाम के मैं अपने हमारे दोस्तों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया, वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप का नाम आया है, उनके उनके बेटा और बेटी का नाम नहीं आया है। तो मुझे यकीन है कि अगर फॉरनर्स ट्रिब्यूनल जुडिशियस वे में एक्ट करेगा, आर्बिट्री तरीके में नहीं, तो यकीनन ये नंबर भी और गिरेगा। मगर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। 120 दिन का तो टाइम है अपील करने का, और 19 लाख में 3 लाख ऐसे लोग भी हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, तो वो भी सबमिट करेंगे। मगर आप बताइए कि इसका हल क्या है? कितने मरतबा इस नई सरकार बनने के बाद फॉरन अफेयर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बांग्लादेश के मिनिस्टर से बात की, चलिए देश को बताइए आपने कि उनसे पूछा क्या बांग्लादेश से इनका क्या करेंगे आप? वोट लेते वक्त तो आपने कहा था कि दीमक टर्माइट्स कहा था, हिटलर ने भी कहा था उस ज़माने में यहूदियों को कॉकरोच कहा था, आपने टर्माइट कह दिया। अब बताइए, आपने जब बांग्लादेश के मिनिस्टर से दो मरतबा आपने बातचीत की, किस मसले को उठाया आपने, और अब फिर आपके आसाम के लोग मुतमइन नहीं है और आप कह रहे हैं पूरे देश में लाएंगे। देख लिए ये इससे सबक हासिल करिए, ये आपको आईना दिखा रहा है। अरे छोड़िए ना, उनको अरे ये देखिए, BJP को हम कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, पढ़ो, देखो इसको जो NRC आया आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था ये। तो आप तो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, आप क्या BJP मुतमइन है NRC से? कहीं चलिए कहिए, बताइए। BJP के बड़े मंत्री अब परेशान हैं, सर को हाथ लगा के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। NRC के फाइनल निशान है, BJP खुद परेशान है। आप इसको मत करिए, इस आसाम का आप देख चुके हैं, इसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं तो आप ही को शर्मिंदगी होगी, आप ही को पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट होगा, कहाँ निकलेगा इसे? आपने पूरा एक जंगल को, एक कहावत है अंग्रेजी की, पूरा जंगल को जला दिया एक चूहे के लिए। आपने क्या निकला? आपको पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकाल पाए आप। ये 19 लाख में नंबर और कम होगा देखना आप, मगर उसके बावजूद भी इतने लोग क्या करेंगे आप? खुद सरकार कह रही है कि ये लोग फॉरनर्स नहीं है, इनका नाम नया फॉरनर्स नहीं है, इनको 120 दिन का टाइम है। सरकार कह रही है फॉरनर्स ट्रिब्यूनल डिक्लेयर करेगा, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप? कहाँ रखेंगे लोगों को आप? आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कितने बातचीत हो रही है, उस पर कितनी तनकीद हो रही है हिंदुस्तान के ऊपर, ये सोचना चाहिए। नहीं देखिए, GDP अगर 5% पे आ गया तो मैं BJP को जो लोग वोट डाले उनसे पूछ रहा हूँ, अब आप लाने लगाइए हर हर मोदी के, मिठाई बांटिए, मुर्दाबाद ओवैसी बोलिए ना, आपने वोट डाला है और BJP खामोश क्यों है? कोई खाम कितने इतना सन्नाटा है BJP में, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। 5.8 से 5% पे आ गया, कौन जिम्मेदार है इसका?
नौकरी नहीं है, बिस्किट खरीदने की लोगों में इस्तेआत नहीं है, साबुन जो है वो कम पैसों में बिक रहा है, फैक्ट्रीज में तीन तीन दिन का हॉलीडे पीरियड है, कई फैक्ट्रीज में लोगों की नौकरी चले गई, वो सब के सब अब जाने वाले हैं अपने अपने गाँव को, हाँ रूरल एरियाज में जाने वाले हैं, हाँ अब आप बताइए रूरल इकोनॉमी में डिमांड क्राइसिस है, रूरल इकोनॉमी में जो लेबर का ब्यूरो का डेटा है लेबर वेजेस में गिरावट हो चुकी है, अब आप बोलिए ना, अब क्यों नहीं बोलते बीजेपी के लोग, अब तो सिर्फ आप बात करेंगे सिर्फ कैसे तनाव पैदा किया जाए हिंदू और मुसलमान में, अरे भाई छोड़िए वो पुरानी पॉलिटिक्स, अब आप बताइए इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला है, GDP 5% पे आ चुका है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, कब तक आप लोगों को धोखा देते रहेंगे, और अगर आज GDP 5% आया तो BJP की नाहेली और उनकी नाकामी की वजह से। सेकेंडली इन 1997 इंद्रजीत गुप्ता सेड देयर 40 लाख, थर्डली SK सिन्हा सेड इन 1998 दैट मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कन्वर्टेड इन टू मुस्लिम मेजोरिटी बिकॉज ऑफ दिस इलीगल माइग्रेंट्स। फोर्थली श्री प्रकाश जायसवाल एज अ MOS होम इन पार्लियामेंट हैड मेड द स्टेटमेंट दैट देर आर 40-50 lakh इलीगल माइग्रेंट्स। नाउ दैट दिस मिथ ऑफ इलीगल माइग्रेंट हैज़ बीन बस्टेड एंड दैट इज़ वाई यू सी BJP इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट NRC। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट these 19 lakh people, from my knowledge, I've spoken to many people in Assam, they tell me that their father's name is included but the children's name is not included, so I hope that the foreigners tribunal will act in a more judicious way, because if the parents' name is there and the children's names are not there, I am pretty much sure, because 120 days time has been given, people will definitely appeal. There are 3 lakh people out of 19 lakh who have not given documents. If the foreigners tribunal acts in a judicious way, this number will further come down. So this myth of illegal migrants has been busted, but yes, it is a huge number, and for that, you know, we can only hope and expect that the foreigners tribunal would act in a very judicious way. They will not act in an arbitrary manner, because this is a matter of people whose parents' name are included, their children's names are not included. There are many people who are yet to give documents, and I'm sure that if the foreigners tribunal acts in a judicious way, this number will further come down. And I lastly condemn the BJP saying that they will not accept this. BJP, we condemn the statement emanating from Hemanta Biswa Sarma saying that in a way we are not happy with this and we will bring in a legislation. What is this? This is a Supreme Court monitored process. Why are you casting aspersions on the Supreme Court? And most important point is that I have my own doubts that the BJP through Citizen Amendment Bill can bring a bill wherein they can try to give citizenship to all non-Muslims, which will again be a violation of right to equality. But this myth of illegal migrant has been busted. 19 lakh is there, and I'm sure that if the foreigners tribunal acts in a judicious way and not in an arbitrary manner, this number will further come down. But this is a huge challenge to our country, that after foreigners tribunal decide, what will be the state of these people? As of now, they have time to 120 days, and BJP should learn a lesson. BJP should stop, you know, asking for NRC throughout the country in terms of Hindus and Muslims. They should stop this, because they should learn from what has happened in Assam. It is called NRC. Sir, NRC's website was crashed because of this more applications today. What is your opinion on that, sir? It is bound to happen, because you know there are many people, more than 3 crore people would like to know, or more than 19 lakh people would like to know what are those names. So definitely they initially that will be there, but I'm sure that NRC and the concerned department would improve on it. Sir, there is a rumor that the NRC will happen throughout India, not India. There is a WhatsApp messages. No, but BJP should learn from this. BJP should learn from this. Why is the Assam BJP unit complaining after the NRC list is out? Why are they crying horse?
why are they complaining now? This is a lesson for BJP. What has happened in Assam, this so-called myth of illegal migrant has been busted. What was said by Amit Shah that there are 50 lakh ghuspeti is wrong. What was said by the great Indrajit Gupta is wrong. What was said by SK Sinha is wrong. What was said by Sri Prakash Jaiswal as a MOS home, he said 50 lakh, it is completely proven wrong. I hope and I expect that the Foreigners Tribunal would act in a very judicious manner. From many people I have spoken in Assam, they tell me that the parents' name is included and their children's names excluded. For example, Sanaullah, he has served in the army, his case is pending in High Court. I am sure that he will get justice also. Sir, some BJP leaders from Telangana were raising an issue and requesting the Home Minister that BJP should learn from Assam. That is why I am saying, does the Honorable Home Minister Sri Amit Shah stand by his comment that when he said that in Assam there are 50 lakh ghuspeti? There are 19 lakh. And in 19 lakh, we don't know how many are of which religious community. Because the media reports tell us that in the bordering districts, majority of the names have been included. What does that say? It is for the BJP to learn, but if they don't learn, then again they'll be embarrassed. This is an embarrassing moment for BJP now. So BJP is not concerned with GDP. BJP is not concerned with anything. BJP is only concerned about how to polarize between different religions. BJP is only concerned about how to increase the road bank. BJP is not concerned about all these things. It is, you know, my complaint is to the people who voted for BJP. What would they say now? GDP has, now it has come down to 5. It is for the people who voted for BJP to open their eyes and see. It is for people who are living in rural areas. There is demand crisis in rural economy. And moreover, you see the rural wages in agriculture have declined. There is no demand. What are you doing? Merging of banks will not help. You can manage the headlines. But what about your vote bank? My complaint is with the vote bank of BJP. They voted for BJP. Now it is for them to open their eyes and realize there are no jobs. Biscuits are not being bought. Soaps are being sold on lesser prices. Huh? Everything is going down. So now is the high time for the bucks to realize that this is what is happening. Sir, the merger of these banks, do you think will boost up the economy, sir? There will be more chaos, sir. All the experts, all the topmost economists have agreed and said that it's not going to help anything in helping our economy. These are all things which will not really revive the economy. Rural economy is in distress. Agriculture wages have come down. So, and because of the retrenchment in so many factories, there is a huge return to rural areas. So what will BJP do now? I want to know why isn't the BJP talking about it? You are only managing headlines. They are talking about 5 trillion economy. I don't know. GDP is to 5%, you get 5 trillion economy. Who are they trying to fool? You want to manage headlines by saying that people should not remember GDP of 5%, but you talk about banks merger. You have taken away maximum profit from RBI in last 5 years. No government has done that. Despite that, this is the state of our economy. Why isn't the BJP answering? Why? No. Why did the GDP touch 5%? Who's responsible? His OIC speeches are responsible. It is your policies which has brought us to this stage.